घर अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। आप देखिए, बच्चों की जिंदगी बदलेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई में बदलाव आएगा, एक नया आत्मविश्वास आएगा। और इस सब के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके अकाउंट में पीएम ग्रामीण आवास योजना का जो पैसा है वो ट्रांसफर भी किया गया है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में ये पैसा अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो आज का वीडियो हमारे इसी टॉपिक पर होने वाला है, और आज की वीडियो में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किन किन भाइयों के अकाउंट में पैसा गया है, और बहुत से ऐसे जो लाभार्थी हैं जिनके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं गया है, उनका पैसा किन कारणवश जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया, इसका भी मैं पूरा जानकारी इस आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक वॉच करिएगा। पीएम आवास योजना देश की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को पक्के घर का निर्माण करवाने के लिए राशि प्रदान करती है। देश में अब तक अनेक परिवारों को इस योजना के माध्यम से पक्के घर का निर्माण करवाने के लिए पैसा प्रदान किया जा चुका है। वहीं अभी भी लिस्ट में नाम जारी करके नागरिकों को इस योजना का लाभ भी पहुँचाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कच्चे घरों में या बिना छत वाले घर में रहने वाले नागरिकों को इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार की इस योजना की सबसे खास बात यह है कि लगभग पूरे देश में सरकार इस योजना का लाभ नागरिकों को पहुंचा रही है। जिन भी नागरिकों का नाम पीएम आवास योजना लिस्ट में आ जाता है, केवल उन्हें ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जिन लोगों का पैसा अभी तक उनके अकाउंट में नहीं गया है, तो वो लोग जो है अपना जो है लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, शायद उनका लिस्ट में नाम नहीं है, इसी कारण उनका जो है पैसा उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पीएम आवास योजना का जो पोर्टल है वो फिर से जो है ओपन कर दिया गया, आप लोग फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप लोग उसके पात्र हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ पीएम आवास योजना के लिए आप लोगों के पास कौन कौन से ऐसे पात्रता जो है उसकी जरूरत लगेगी, क्या आप पीएम आवास योजना के लिए उसका लाभ लेने के लिए सक्षम है कि नहीं है, इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में मैं आप लोगों को अभी बता देना चाहता हूं कि पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट हमेशा ऑनलाइन तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है। ऐसे में जो भी नागरिक जानना चाहते हैं कि पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचकर लिस्ट में नाम चेक करें। अगर लिस्ट में नाम मौजूद रहता है तो ऐसे में भारत सरकार के द्वारा 3 अलग अलग किस्तों में पक्के घर के निर्माण के लिए पूरी राशि प्रदान की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का लिस्ट में नाम शामिल रहेगा तभी आप लोगों के अकाउंट में जो है घर बनाने के लिए जो पूरी राशि है 1,30,000, वो आप लोगों के अकाउंट में जो है ना वो ट्रांसफर किया जाएगा। पहले अनेक बार पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट को जारी किया गया है, ठीक उसी प्रकार अन्य नागरिक जिसको इस योजना का लाभ लेने से वंचित हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए भविष्य में और भी पीएम आवास योजना की ग्रामीण लिस्टों को जारी किया जा सकता है। ऐसे में समय समय पर लिस्ट में अपना नाम अवश्य चेक करते रहे। जो लोग भी अगर आवास योजना से रिलेटेड अगर आप लोग वहाँ पर आवेदन किया है, तो आप लोग समय समय के अनुसार अपना जो है वहाँ पर लिस्ट में जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। लिस्ट में नाम रहेगा तभी आप सभी लोगों के अकाउंट में पैसे जो है ट्रांसफर किया जाएगा। और पहला राशि अगर ट्रांसफर किया जाएगा तो पहला राशि होगा आप लोगों का 25,000 रुपये, जो सीधे आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का नया जो है अपडेट आएगा उसी वेबसाइट पर पीएम आवास योजना के, उस पर आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि अगला किस्त आप लोगों के अकाउंट में कब और किस महीने में जो ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीएम आवास योजना के लिए पात्रता। जी हाँ दोस्तों, अगर जिन भाइयों का नाम नहीं शामिल है, शायद वो लोग इस पात्रता की सूची में जो भी बताया गया है इसमें उन लोगों का कुछ ना कुछ वंचित रह गया, किसी कारणवश जो है उन लोगों का पैसा उन लोगों के अकाउंट में नहीं ट्रांसफर हुआ है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पीएम आवास योजना के पात्रता के बारे में। नागरिक के पास कच्चा मकान होना चाहिए, बीपीएल राशन कार्ड जरूर मौजूद होना चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा पहले कभी भी किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य आयकर जमा करने वाला नहीं होना चाहिए। दिव्यांग, विकलांग सदस्य, विधवा आदि भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। नागरिक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। नागरिक किसी भी सरकारी पद पर कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जितना भी मैंने आप लोगों को पात्रता बताया, ये पात्रता अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग सक्षम हैं पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए। अगर फिर भी आप लोगों का इस योजना से नाम हटा दिया गया, आप लोग पात्र हैं इस आवास योजना का लाभ लेने के लिए, फिर भी आप लोगों का अगर नाम उस लिस्ट से हटा दिया गया, नाम नहीं शामिल किया गया, तो आप लोगों को कुछ टाइम तक वेट करना होगा, फिर से एक नई लिस्ट जारी होगी, फिर से आप लोग उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। क्योंकि नाम जो है ऐड करने में ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती है, गलती होती है, तो उसमें आप लोगों का फिर से आप लोगों का चेकिंग होगा, फिर से अच्छे तरीके से उसका जो है आप लोगों का नाम जो है फिर वेरीफाई किया जाएगा, फिर उसमें लिस्ट में जो है शामिल किया जाएगा। जैसे ही कोई नई लिस्ट आती है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों को जो है ना अपडेट मिल जाएगा, और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि लिस्ट किस दिन जारी होगी और कौन कौन से ऐसे नागरिक हैं
जिनका जो है इस पात्रता की सूची में है, उनका सब चीज़ सक्षम है, फिर भी उनको अभी तक लाभ नहीं मिला, तो वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि कब और कैसे आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।